वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन क्रोज बुटीक। आज हम हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल देखेंगे और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। और आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें आपको अगर वो ट्रिक जाननी है। और इसकी इस तरह के मेजरमेंट की कुर्ती इतनी बढ़िया फिटिंग की आएगी आपके सारी समस्याओं का सारी परेशानियों का समाधान आज की वीडियो में होगा। चलिए शुरू करते हैं हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग। सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। इसका जो शोल्डर है वो 14 इंच का है, अपर चेस्ट जो है वो 42 इंच 42 इंच का है और जो फुल बस्ट है वो 46 इंच का है। उसमें हम 2+ कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 48 इंच, क्योंकि जो अपर बस्ट है उससे हमारा कोई इतना मतलब नहीं होता है। उसके बाद वेस्ट मतलब कमर जो है वो 42 इंच है, उसमें भी हम 2+ कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 44 इंच। और उसके बाद हिप में हम 3+ कर लेते हैं, हम 2+ भी कर सकते हैं लेकिन हम 3+ करेंगे क्योंकि ये हैवी साइज़ है तो हम इसमें 3+ कर लेते हैं तो हमारा हो गया 51। उसके बाद कुर्ती की लेंथ 41 है और जो बाजू है वो 9 इंच का है, स्लीव लेंथ 15.5 इंच की, मोहरी 7 इंच की। और ये देखिए नेक, इसमें कुर्ती के मेजरमेंट में नेक का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका फ्रंट नेक है इसकी गहराई 5.5 इंच की है और इसका जो बैक नेक है वो 5 इंच का है। तो अब क्योंकि इसका नेक फ्रंट नेक 5.5 इंच का है तो हम इसके शोल्डर का जो मेज़रमेंट है उसी हिसाब से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं इसका। हम सबसे पहले तीरे का मेज़रमेंट लेंगे तो तीरा हमारा 14 इंच का है, 14 इंच का तीरे में हम हाफ करेंगे तो 7 इंच का हो जाएगा तो हम इस पे 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पे निशान सीधा लगा लेंगे, पहले 7 इंच पे हमारा तीरे का निशान हो गया। और अब हम सबसे पहले कुर्ती की लेंथ लेंगे। कुर्ती की लेंथ है इसकी 41 इंच, 41 इंच यहाँ तक है और उसके बाद जो है 43, मतलब कि ये इतना इसमें फोल्ड हो जाएगा, ये लेस हम निकाल देंगे तो हम 41 इंच पे मार्क कर देते हैं तो मतलब कुर्ती की लेंथ फुल ही रहेगी। उसके बाद जो है हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम 7 इंच पे ही लगाएंगे। देखिए दोस्तों 7 इंच पे हम इसका आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो चेस्ट है उसका निशान लगाएंगे। इसका फुल बस्ट चेस्ट है 48 और 48 का चौथा भाग जो होता है मतलब कि ये 48 इंच का है तो हम क्या करेंगे इसका मेजरमेंट जो हमारी बहनें हैं वो घर पे बैठ के जो कटिंग और स्टिचिंग करती हैं हम इंच टेप में इस पे 48 पे आएंगे। 48 के बाद हम इंच टेप को इस तरह से डबल करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इंच टेप को डबल किया और उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। ये देखिए तो इसमें हमें कोई इतने क्रॉस करने की इसमें गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको इस तरह से ही मेज़रमेंट लेंगे। जब हमने इस तरह से मेज़रमेंट लिया इसका तो जो हमारा ये जो पहला इसका जो फोल्ड है उसको देख लेंगे 12 इंच का, तो ये हमारा 12 इंच का इसका फोर्थ भाग बैठ रहा है तो हम यहाँ 12 इंच पर निशान लगा देंगे। इस तरह से 12 इंच पे ये हमारा स्टिचिंग का निशान है, ठीक है, ये हमारा स्टिचिंग का निशान है। उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन पे बाद में करेंगे, पहले हम स्टिचिंग वाला निशान लगा देते हैं। उसके बाद हमारा जो है इसकी लेंथ जो होती है वो 14 इंच की होती है, ऊपर से नीचे कमर की जो लेंथ होती है वो 14 इंच पे होती है लेकिन क्योंकि ये हैवी साइज़ है इसलिए हम इस पर 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि ये जो इनका ब्रेस्ट हैवी है इसलिए यहाँ पर 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम इनको लाइनों को सीधा कर लेते हैं।
ये हमारे कमर का निशान और ये हमारी चेस्ट का निशान। उसके बाद कमर का जो मेज़रमेंट है वो 44 इंच है, तो 44 इंच जो है उसको भी हम 4 बार इसको फोल्ड करेंगे इंच टेप को। इस तरह से हमने डबल किया और उसके बाद हमने इस तरह से इसको फोर्थ कर लिया, मतलब कि इसको 4 बार हमने फोल्ड कर लिया। तो उसके बाद हमारा ये 11 इंच का, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 11 इंच का आ गया है। तो ये हम इस पर 11 इंच पर निशान लगा देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से इंच टेप को यहाँ रखती हूँ और 11 इंच पर निशान लगाती हूँ। ये देखिए इस तरह से 11 इंच पर निशान हमारी कमर का हो गया। ऊपर से अब हमें जो दामन होता है नीचे चाक के ऊपर, उसका हिप का निशान जो है हम 21 इंच पे नॉर्मली लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 21 इंच पे ही लगाएंगे इस पे निशान और अब हम इसको सीधा कर देंगे हिप के निशान को भी इस तरह से। तो ये हमारा हो गया चेस्ट का निशान, ये हमारे कमर का निशान हो गया और ये हमारा हिप का निशान हो गया। अब हमारा हिप जो है वो है 51 इंच, ये देखिए 51 इंच का हिप है। उसको भी हम इसी तरीके से पहले डबल करेंगे ये डबल करा हमने और डबल करने के बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया। और अब हमने ये जो इंच टेप का ये जो सिरा होता है इससे इसको हम देखेंगे जो कहाँ तक फोल्ड है। तो ये है 13 इंच में एक सूद कम है, तो 13 इंच में एक सूद कम पर हम निशान लगा देंगे अपने। तो बहुत इजी ट्रिक है ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ रखा और हमने ये 13 इंच से एक सूद कम पर निशान हिप का लगा दिया। अब हम नीचे क्या करेंगे, दामन पे आ जाते हैं हम। वो एक सूत 13 इंच का है तो हम दामन पे क्या करेंगे, 13 इंच पे ही निशान लगाएंगे। हमें कोई बहुत चौड़ा दामन नहीं करना है क्योंकि दामन जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा अच्छा लगता नहीं है। तो हम इसको सिर्फ 13 इंच पे ही मार्क करेंगे और अब हम इन सभी निशानों को मिला दें। हाँ एक चलो 13 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है, उसके बाद हम इन सभी निशानों को मिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल सीधा निशान, ये यहाँ पर इस तरह से निशान, ये हमारा ये निशान। ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। उसके बाद हम इसका 1.5 इंच इस पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच मार्जिन का। ये देखिए और अब हम इसको भी मिला देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछना, कोई क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके पूछें। ये देखिए अब हमें क्या समझना है, इसमें मेन चीज़ समझनी है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना चुकी हूँ और मैं अब दोबारा से इस पर आपकी वीडियो बना रही हूँ। अब हम जो इसका फ्रंट का नाप ले हमने नाप लेते हैं वो हमेशा हर कुर्ती में हर मेज़रमेंट में 6 या 6.5 इंच होता है। मतलब कोई अगर स्लिम ट्रिम किसी का है फिगर है तो उसका 6 इंच पर ये फ्रंट जो है अपर बस्ट रखा जाएगा, और अगर कोई हैवी या हेल्दी लेडी का है तो हम 6.5 इंच पे लेंगे। इसका कोई और ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। आपको बहुत सारे जो हैं लोग बता देंगे कि इसका ये लगाना है, ये मेज़रमेंट है, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच का इसका
फ्रंट पे निशान लगा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। आप ये इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो इतना एरिया होता है इसका मेज़रमेंट का जो ट्रिक होती है वो एक सी रहती है, सिर्फ यहाँ के नीचे के साइज़ घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर जो ऊपर से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ हम 1 इंच पे निशान लगाते हैं इस तरह से, ये देखिए। और इसको हम शेप दे देते हैं गुलाई में, मतलब कि ये जो गुलाई का शेप है इस जगह तक रहेगा और बाकी ऊपर सीधा आएगा। ये हमारा फ्रंट का पार्ट कटिंग हो चुका है और अब ऊपर से हम इसे सिर्फ 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि ये जो है हेल्दी वीमेन का है। तो आप हमेशा ध्यान रखें जो गला है, जो हेल्दी हैं उनका आप 3.5 या 3 इंच की ब्रॉडनेस लेंगे, मतलब कि 3.25 इंच के करीब की ब्रॉडनेस लेंगे। और जो स्लिम ट्रिम लेडी का होता है उसकी ब्रॉडनेस आप 2.5 पर लेना चाहेंगे आपको। और इस ये गले की गहराई पे भी डिपेंड करता है बैक साइड की, कि आप इसकी ब्रॉडनेस कितने पे लेते हैं। और सेकेंडली दूसरी बात ये भी है, ये जो तीरा है मतलब हमारा जो ये शोल्डर होता है ये भी पीछे की गले की गहराई पर डिपेंड करता है। अगर बैक साइड का गला चाहे हेल्दी लेडी हो या दुबली लेडी हो, किसी भी तरीके का मेज़रमेंट हो, अगर पीछे का गला आपका गहरा है जैसे 10 या 11 इंच का है तो आपका शोल्डर कम होता जाएगा। और अगर जो बड़ा है मतलब कि कम, ये जो मेरा मेज़रमेंट है ये 5.5 इंच का करीब है, तो मैंने 7 इंच का ही इसका जो शोल्डर है वो रखा है, क्योंकि जो बैक का गला है वो 5 इंच का ही सिर्फ है। तो इसका इस पर हेल्दी लेडी हो या कमज़ोर लेडी हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें इसका मेज़रमेंट जो है बैक गले के हिसाब से और इसके ब्रॉडनेस के हिसाब से ही रखना चाहिए। अब हमने यहाँ 1/2 इंच इसको डाउन कर देना है और इस तरीके से हम निशान लगा देंगे डाउन करके। तो ये हमारा पूरा मेज़रमेंट हो गया है एक हेल्दी लेडी की कुर्ती का। और इसमें जो ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई है, वो ट्रिक मैं इसकी स्टिचिंग करते वक्त बताऊँगी आपको, तो आप वीडियो में बने रहें। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब इसको हम हटा देते हैं। हमने ये बैक पार्ट पूरा अच्छे तरीके से बिछा लिया है और अब हम इसके जो फ्रंट पार्ट है इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा देंगे। देखिए ये इधर से खुला हुआ है पार्ट और उधर से बंद, तो अब हम इसको इस पर बिछा देंगे। ये देखिए इसको नीचे तक इस तरह से करके हम इसको पूरा फैला देंगे। इस पे सारे निशान ऐसे एज इट इज़ ही रहेंगे जैसे ये हैं। ये इसके कमर का, ये इसका हिप का, ये इसके चेस्ट का, ये यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जो है यहाँ से इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम यहाँ से इसका 1/4 इंच ऊपर ले लेंगे। देखिए ये हेल्दी लेडी का है इसलिए हम इस पे 1/4 इंच लेंगे ऊपर, अदरवाइज़ नॉर्मल में हम सिर्फ 1/2 इंच ही इसका ऊपर का एक्स्ट्रा रखते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें इसका मेज़रमेंट में थोड़ा सा बढ़ती लेना है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर ये करीब 1 इंच के करीब यहाँ निशान लगाएंगे इस जगह पर और फिर ये धीरे धीरे हम इस तरह से इसको ये अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये मैंने स्लीव्स का जो है इसमें कपड़ा बचा हुआ कपड़ा है, ये स्लीव्स का है और इसमें हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि ये कम कपड़ा है तो इसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स आएंगे, जोड़ पड़ेंगे। तो अब हम इसकी एक बात हमेशा ध्यान रखना है जॉइंट्स में, ये जिस तरह से ये सीधे में है अगर तो इसका जो जोड़ है वो भी सीधे में ही होगा, मतलब कि जो देखिए इसके फ्लावर्स वगैरह जो हैं इधर की, हम इसका जोड़ इस तरह से उल्टे में नहीं लगा सकते कि हम सोचें कि हम कपड़े का जॉइंट इस तरह से जोड़ दें। ऐसा अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी और आपके स्लीव्स खींचेंगी। तो हमेशा जो जोड़ अगर पड़ता है कहीं तो वो फिर उसी हिसाब से सीधे में ही, मतलब जो धागा है वो सीधा ही होना चाहिए, जैसे कि मैंने इसमें बिछाया है। हम जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो आर्म होल का इस पर जो है मेज़रमेंट कई बार कन्फ्यूजन वाला रहता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने जो इसकी कटिंग की थी, हमने ये ऊपर का फ्रंट पार्ट है और ये बैक साइड का पार्ट है, तो हम जो इसका ऊपर का थोड़ा सा निकला हुआ है इसको हम मोड़ देंगे इस तरह से, और मोड़ने के बाद हम अब यहाँ से मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ, तो हमें यहाँ का मेज़रमेंट जो है बीच में लेना है, मतलब कि हमें इस तरह से बीच में इसका मेज़रमेंट लेना है इस तरह से। ये देखिए ये निशान है इसके, जो चेस्ट है उसका निशान है आर्म होल का, तो ये करीब 12 इंच पे आ रहा है, 12 इंच से एक सूत कम है। तो अब हम इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे आर्म होल का, उसके बाद हम यहाँ से इसका मेज़रमेंट लेंगे इस तरह से गोलाई में। तो 12 में एक सूत कम आ रहा है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसका 12 में एक सूत कम पर निशान लगा देंगे। यह हमारा आर्म होल हो गया। अब इस तरह से हम जब आर्म होल की मेज़रमेंट, तो अब हम देखेंगे इस पर जो है हम निशान लगा देंगे इस तरह से इसकी शेप देते हुए, और उसके बाद जो है हम इसकी जो है लेंथ की नाप लेते हैं, जो वो 16.5 इंच की हम मार्क लगाएंगे क्योंकि एक इंच हमें फोल्ड करना होगा, और अब हम इस पर सीधा निशान लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी मोरी का नाप लेते हैं जो कि 7 इंच है, और ऊपर से हमारे 12.5 इंच, जो 12.5 नहीं मतलब 12 सूद में एक इंच कम पे निशान लगाया है। अब उसको हम अपनी शेपर की मदद से इस पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इन निशानों पे, और हमने थोड़ा मार्जिन भी लिया है आगे, इसमें हमने सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लिया है क्योंकि कपड़े की थोड़ी कमी थी। अब हम इसकी गहराई में, क्योंकि आगे की तरफ 1 इंच की गहराई होती है, तो हम 0.25 इंच से लेकर 0.5 इंच और 1 इंच भी कई बार रखते हैं इसकी गहराई, वो रख लेते हैं। उसके बाद हम इसकी निशानों पर कटिंग कर देंगे। ये देखिए हम इस तरह से इसकी निशानों पर कटिंग कर देते हैं, और साथ में हम इसमें कट भी लगाते रहेंगे ताकि हमारी सिलाई करते वक्त आसानी रहे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है, और ये हमारी अब तैयार हो चुकी है इसकी कुर्ती की कटिंग। उसके बाद हम स्टिचिंग करने के लिए चलते हैं। देखिए जो ट्रिक मैं बता रही थी आपको, सीक्रेट ट्रिक, वो ट्रिक मैं अब आपको स्टिचिंग में बताऊंगी। इसकी जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं जिनकी साइज जो है 45 से 50 55 के प्लस, तो ये 11 इंच के करीब आ रहा है, क्योंकि दोनों को मिला के 12.5 आ रहा था और सिर्फ आगे को मिला के 11 इंच आ रहा है। तो ऊपर से मैं इसका 11 को हाफ करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, और मैं यहाँ ऊपर से इसका 5.5 इंच पे मार्क लगा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका 5.5 इंच पे मैं मार्क लगा देती हूँ। 5.5 इंच पे यहाँ मार्क लगाने के बाद इसको क्रॉस में हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये देखिए यहाँ इस तरह से हम 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे 2.5 इंच पे इस तरह से पकड़ के इसको एक छोटी सी एक सूत की प्लेट डालनी है। ये हमें इस तरह से इसकी एक सूत की प्लेट डालनी है 2.5 इंच के करीब, इसकी लेंथ होगी, और जो जितना भी पूरा इसका जो आर्म होल है उसका हाफ पे इसकी प्लेट डालनी है, और इस तरह से हमारी प्लेट, हम दोनों तरफ अपनी प्लेट डाल लेंगे। ये देखिए इस साइड भी और इस साइड भी। तो
हेल्दी इसके जो साइज को परफेक्ट करने के लिए इसमें यही ट्रिक अपनाते हैं दोनों साइड।